अल्मोड़ा जिले में कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ब्रिजभूषण सिंह ने अपने निकटतम प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव से 2,61,601 वोटों से जीत दर्ज की। ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस बार लोकसभा चुनाव में 5,80,226 मत मिले। वहीं गठबंधन प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव को 3,19,418 वोट मिले, जिसके बाद भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। नाचते गाते हुए कार्यकर्ता अपने नेता के साथ प्रमाण पत्र लेने के लिए जिलाधिकारी के पास पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने उन्हें पत्र देकर घोषित किया। और 2019 का चुनाव मैं लगभग 6,00,000 वोट पाकर के जीता हूं, और इसका पूरा श्रेय मैं कैसरगंज लोकसभा की जनता और पूरे देवीपाटन मंडल को देता हूं और प्रधानमंत्री जी को देता हूं। नेताजी, जिस तरीके से सुनामी चली और राहुल गांधी जैसे लोग अमेठी से, परंपरागत सीट अमेठी से हार गए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या उनको अब आंख मारने का मौका नहीं मिलेगा लोकसभा में? देखिए, अमेठी और रायबरेली में एक भ्रम बना हुआ था और वहां की जनता भी भ्रम में थी, और अमेठी या रायबरेली वो लोग कुंवर पिकनिक मनाने के लिए आते थे। वो दो तीन महीने में एक कुंवर पिकनिक का प्रोग्राम करते थे और उसी पर अमेठी की जनता झूम उठती। लेकिन जब स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और हारने के बावजूद जो उन्होंने लगातार संपर्क बनाए रखा, विकास कार्यों में रुचि दिखाई, तब अमेठी की जनता को लगा कि प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए। और वैसे तो ये लोग पूरे हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन अमेठी को तो रियाया ही समझते थे। अब आज अमेठी की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, और आप कल्पना करिए कि अगर गठबंधन का प्रत्याशी रायबरेली में होता तो सोनिया जी का क्या हाल होता। तो एक तरीके से एक महागठबंधन।